जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आपको पता है जिस तरह से महाराज जी बंडे प्यारा था, ठीक है, तो उसके हवाले से आज माशाल्लाह से सारे भाई जी इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। और ये उस्ताद तारक साहब हैं, ठीक है, कमेटी सदर हैं, जो कि माशाल्लाह से इन्होंने टूर्नामेंट करवाया। और मजीद भी आगे उस्ताद शाका साहब का कोट बिलाल से जो मैंने आपके साथ कप शेयर किया था वो भी इन्होंने बढ़ाया था। तो बाकी ये कमेटी सदर हैं और ये सारे भाई बैठे हुए हैं। आज हम उस छत पे दोस्तों मौजूद है जो कि पहले नंबर पे जो है ना इस टल्ले में जो है ना वो आई है। तो बाकी सारी गुफ्तगू जी उस्ताद साहब जो है ना वो खुद करते हैं, कमेटी सदर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मास्टर तारक। मास्टर तारक के नाम से जो है ना वो पिजन वर्ड में मेरा नाम चलता है। बेसिकली मैं एक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, लेकिन बचपन से मुझे ये कबूतर परवरी का बड़ा शौक है। तो अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी इज्जत दी है इस मामले में, तो मैं हमेशा हर साल जो है ना वो 2 से 3 कप जो है ना वो ज़रूर मेरे चलते हैं। अभी मैंने वनडे कप शुरू किया था 24 अप्रैल को, आगे मेरा जो है वो वैसाख जो है ना वो 20 वैसाख का कप जो है ना वो तकरीबन अगले माह की 3 से शुरू हो रहा है, 3 मई को। उसके बाद फिर जेठ में मैंने एक कप शुरू किया था 11 जेठ को, जो पंजाब कप की डेट के मुताबिक है, तो वो 24 मई से वो स्टार्ट होगा। अच्छा उस्ताद जी, आपके जो अब मतलब ये अब की जो टल्ला था इसमें कितनी छतें थी? इसमें जी मैंने 26 छतें शो की थी, लेकिन जब मैंने मोहरें लगाई हैं तो वो तकरीबन 30 छतें हो गई थी। 30 छतें हो गई। अच्छा पहले नंबर पे जो मैंने देखी है ना आपकी चीज़, ये बड़ा अच्छा मुझे लगा। एंट्री फीस सारे कपों से कम होती है आपकी, ताकि कोई मारे जैसा बंदा भी हो तो वो भी पार्टिसिपेट कर। असल में ना मैं इस शौक को प्रमोट करना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो छोटे से छोटा जो शौक करने वाला बंदा है या छोटा बच्चा है वो भी शौक करे, तो हर बंदे को इसमें बड़े टूर्नामेंट में शौक करने का मौका मिल जाता है। अब इतनी छतें हैं, ठीक है, आपने देखा माशाल्लाह बड़े बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इतना दिया हुआ है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो एंट्री फीस देने के काबिल भी नहीं होते, उनके घर के हालात ही ऐसे हैं, महंगाई बहुत है। और मैं कहता हूँ यार आप शौक करें, शौक से बढ़कर कुछ भी नहीं है, पैसा तो आने जाने वाली चीज है। माशाल्लाह, तो आगे जो हमारे पहले नंबर पे इस कप में आई है उनका जरा तारुफ करवा जी। SPL वनडे कप तहसील निशरा विरका जो कप है वो असल में SPL का मतलब है सुपर पिजन लीग। सुपर पिजन लीग के नाम से मैंने ये शुरू किया है, साधु विरका से मैं बिलोंग करता हूँ, लेकिन पूरी तहसील को मैं डील कर रहा हूँ इंशाल्लाह। तो अभी जो वनडे कप कल मैंने उड़ाया है उसमें सबसे जो पहली पोजीशन आई है, जो चैम्पियन है उसके, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्ताद मोहतरम है उस्ताद अहमद विरक साहब। मैं सामने बैठे हुए उस्ताद अहमद विरक साहब पहले नंबर पे ये पहले नंबर पे आए हैं। इनके लिए लेके आए हैं जी खुशी तौर पे, हार लेके आए हैं, मिठाई लेके आए हैं, ठीक है। खड़े हो जरा, क्लोज हो ओ तू ही बैठे ना तू दे भाई। ताड़ी करो ये ए जी। उस्ताद गुलफाम ग्रह साहब हमारे साथी हैं, उस्ताद भी हैं और हमारे कप को सदारत के तौर पर डील भी कर रहे हैं। और इसके में तमाम जो रूल है हमने इनसे सीखे हैं, इनकी हदायत पे हम चलते हैं। तो पहले जो हमारा इनाम देने का सिलसिला था वो था 1 माह के बाद या 15 दिन के बाद, लेकिन इस दफा उस्ताद साहब ने हमें मजबूर किया है। चोरी गुलफाम ग्रह साहब ने भी यार ये अच्छी रवायत नहीं है, असल में इनाम की जो रकम होती है वो फौरी अदा करनी चाहिए ताकि वो बंदा ले के दोस्तों को साथियों को मिठाई खिलाए, इंजॉय करे। यार ये क्या हुआ, 1 माह उधर रहा है मोबाइल को, ठीक है। तो उस्ताद साहब ने हमें मजबूर किया है, चोरी गुलफाम ग्रह साहब ने इनके कहने पे जोर देने पे आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह तमाम छतों के नाम दे दिए हैं। और बाकी छतों में जो दूसरा जो नंबर पे आने वाला हमारे पास नहीं है, लेकिन ये तीसरे नंबर पर आने वाले जो है ना नए साथी हैं हमारे, ठीक है, बाबर मेहर साहब, ठीक है, बाबर मेहर साहब हैं, ये ग्रेड स्टेशन से हैं, ये भी हमारे पास मौजूद है, इनकी तीसरी पोजीशन आई है वनडे कप। ताड़ी करो यार ना। ये जी इनके बड़े भाई हैं, उस्ताद अहमद साहब के जी बड़े भाई हैं, मैं उनको भी जी राशि साहब ने मेरे भाई मेरे साथी मेरी टीम के हिस्सा है। जी बाबर भाई ने जी नए साथी हैं, पहली दफा शौक किया इन्होंने बड़े कप में और बहुत बड़ा मार्जिन, बहुत बड़ी हिट करवाई है इन्होंने।
और माशाल्लाह ये तीसरे नंबर पे आए हैं, तो इनके लिए भी ताड़ी हो। लो जी, सारे कप का जो सहरा है, जिन्होंने हमें हर मौजू पे गाइड किया, हमारा साथ दिया, हमारे साथ तावन किया, रातें जाग के हमारे साथ चले, हर इशू में हर मामले में हमें गाइड किया, ठीक है। तो पूरे टूर्नामेंट का जो क्रेडिट है वो मैं अपने बड़े भाई चौधरी गुलफाम ग्रह साहब को देता हूँ, इनके लिए बता दिया। ज़ैनफर साहब ने भी मुतारफ करवा दो वो। सर जी, ज़ैनफर साहब ने भी मुतारफ करवा दो जनाब ज़ैनफर साहब ने। एक बहुत बड़ा नाम कोटली मंसूर, मैं एक चीज भूल गया हूँ, जो हमारे इस कप के वनडे के चैंपियन है उस्ताद अहमद विरक साहब, जो बिलोंग करते हैं कोहली मंसू से, और इनके जो पार्टनर हैं, इनके दरीना जो साथी हैं, जो आजकल नई शादी की वजह से या शादी होने की वजह से समझ लें कि उन्होंने कबूतरबाजी को टाइम नहीं दिया, सारा वक्त बजाय छत पे गुजारते या डेरे पे गुजारते उन्होंने घर में गुजारा है। तो मैं उनका भी तारा करना चाह रहा हूँ, जनाब चौधरी ज़ैनफर विरक साहब। अच्छा, बाकी पांच ही नाम थे, उसमें तीन का तो आपने जिक्र कर दिया, जो दो रहते हैं वो ये नाम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहला जो इनाम था वो था उस्ताद अहमद विरक साहब का, नंबर दो पे आने वाले जो हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, वो है लाजवर लाजवर भट्टी उर्फ लाजा भट्टी, वो सुनहरे वाला गाँव से बिलोंग करते हैं, उनका भी नाम हमने पहुँचा दिया है। नंबर तीन पर ये बाबर भाई हैं, बाबर मेहर साहब ग्रेटर स्टेशन से, ठीक है, इनका नाम हम अभी यहाँ पे देंगे इनको। नंबर चार पे आने वाले इम्तियाज राणा इम्तियाज साहब हैं, वो लंज शरीफ से हैं, उर्फ ताजा राणा इम्तियाज उर्फ ताजा लंज शरीफ से हैं। और नंबर पाँच पर आने वाले हमारे वो भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, नदीम अब्बास विरक साहब बुद्धपुरजी विरका से हैं, तो उनका भी नाम हम दे के आए हैं वहाँ पे। तो आज की जो रंगारंग सारी जो महफल है, इसका जो क्रेडिट है वो मेरी टीम को जाता है, मेरे साथियों को जाता है, और जितने भी मेरे सपोर्टर हैं उन सबको जाता है। तो मैं दिल से जो है ना वो सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे हर लेवल पे मेरा साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया, और स्पेशली तौर पे कप के जो तमाम मुनसफीन हैं उनका मैं दिल से मशहूर हूँ कि उन्होंने इसको कामयाब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि ये हल्फिया बुनियादों पर कप था। मैंने पहले अपना हल्फ दिया, फिर मैंने हर मुनसब का हल्फ लिया है कि किसी भी तरह की दो नंबरी की या बदती की कहीं पर भी गुंजाइश नहीं है, जो करेगा वो फिर अगले जहान में उस आग में खुद ही जलेगा। तो ये बात जो कबूतर मतलब बैठा था 7:04 पे, तो उसमें ग्रुप में मैसेज भी आया था कि आगे ना मतलब कमेटी सदर खुद जो है ना मैच करे, तो जी बिल्कुल, मुझे वो जो छत है किला मुसाबाद से रियाज मसीह की छत है, उन्होंने हर उन्होंने मुझे बड़ा स्ट्रेस किया कि आप आए, मुनसर ने भी कहा है और जो मालक मालक उसने भी कहा है, तो मैंने कहा नहीं ये बिल्कुल ये रूल नहीं है, जो भी फैसला होगा वो हतमी मुनसब का फैसला होगा, मुनसब क्लियर करता है तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मुनसब को चेक करवाएं, ठीक है, अगर वो गुजरे के अंदर आता है तो वो लिख दे। फिर मैंने मुनसब से कॉल पे बात की, मैंने कहा भाई 200 फुट का मतलब है 200 फुट, एक जो रत्ती की भी गुंजाइश नहीं है, 200 फुट के अंदर आएगा आपने हल्फन वो लिखना है, वरना आपने नहीं लिखना। फिर उसने वो पीता मंगवाया, पीता मंगवा के वो लेट कर रहे थे, तो मैंने बड़े गुस्से में फिर दो चार जो है सख्त लहजे में मैसेज किए कि यार वहाँ क्या हो रहा है, ये रसूल के खिलाफ है कि जल्दी फैसला दें जो भी है। उन्होंने फिर पीता मंगवा के उसको जो गुमाइश की, तो वो हुआ था 165 फुट की रेंज पे, तो
तो उन सब ने बिल लिख के क्लियर कर दिया, तो उनको भी मेरी तरफ से जो रियाज मसीह है, गुलफाम मसीह है, उनको भी मेरी तरफ से मुबारकबाद है। तो इंशाल्लाह कल हम उनको भी जी 7:04 पे उन्होंने बहादुर कबूतर का जो नाम सूल किया है और पूरी जो तहसील में मतलब कि जितने भी कबूतर थे वो तकरीबन 150 कबूतर में उन्होंने हिट ली है, तो उनके लिए भी जनाब तुलसी क्लैपिंग हो जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि अभी वो यहाँ पे वीडियो ले रहे हैं दोस्तों और दूसरे नंबर पे आ गए। पहली दफ़ा मैं इनके काम में आया हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मतलब ऐसा काम नहीं हुआ कि रोला पड़े हंगामा मचे ग्रुप में, वैसा काम दोस्तों नहीं हुआ। और आगे नेक्स्ट जो है वो कप होगा इंशाल्लाह 5 तारीख को फाइनल हो रहा है, मौसम की खराबी की वजह से 2 से 5 तक जा रहा है, तो इंशाल्लाह वो भी हम इनके साथ जरूर उसमें पार्टिसिपेट किया, इंशाल्लाह वो भी जरूर जो है ना हम करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, गांव में एक बात और करना चाह रहा हूँ कि मैं बताना भूल गया हूँ कि जो मेरा वनडे कप था वो यानी कि यस्टरडे 24 अप्रैल को हुआ है, ये जो बर्बाद हुई है यस्टरडे 24 अप्रैल को हुई है। आगे फिर जो वसाख कप है उसका भी बताना चाह रहा हूँ कि मौसम के हवाले से हमने जो भी फैसला किया कि हम 29 अप्रैल को कमेटी फिर हलाल कमेटी बैठेगी, मौसम का जायजा लेगी, अगर तो मौसम ने हमारा साथ दिया तो ये 3 मई से कप उड़ेगा, अगर हमें लगा कि मौसम ज्यादा बरलूद है खराब है तो हमने अच्छा शौक प्रोवाइड करना है, हमें किसी का तल्लक नहीं देखना, किसी की मजबूरी नहीं देखनी, हम अच्छा शौक देना चाह रहे हैं, तो हो सकता है ये 5 को भी चला जाए। आगे फिर जो जेड कप है वो इंशाल्लाह 24 मई की ऑनवर्ड ये चलेगा कप। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी तमाम साथियों को, थैंक यू सो मच।